नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं रजत एक्सप्रेस न्यूज। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। और हमारे चैनल को मजबूत करने के लिए हमें एक लाइक करें, हमारे चैनल को दूर दूर तक शेयर करें ताकि आपसे जुड़ी खबरें हम आप तक पहुँचा सके। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। प्रदेश कार्यकारिणी और जिला के अध्यक्ष, इन्हें सभी लोगों की बैठक होगी जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव में जो हमारी सीटें हैं, हम वैसे तो एक दर्जन लोकसभा सीटों पर लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त दो दर्जन ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां हम बूथ लेवल तक अपने संगठन का विस्तार करने के लिए प्रयत्नशील। हमको जितनी सीटें मिलेगी उतनी सीटों पर हम लड़ेंगे। बकिया सीटों पर हम अपने सहयोगी इंडिया घटक के जो भी प्रत्याशी होंगे उनकी मदद करेंगे, उनके जिताने में पूरा प्रयास करेंगे। दूसरा मेरा कहना है कि उत्तर प्रदेश का किसान प्रदेश सरकार से बड़ा उम्मीद रखता था कि जिस तरह से लागत मूल्य बढ़ा है उसके अनुसार गन्ना के मूल्य में बढ़ोतरी की जाएगी, लेकिन योगी सरकार ने गन्ना किसानों के सपनों पर सितारा मार दिया है, किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं किया है, जबकि लागत मूल्य में बेतहाशा वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय लोकदल इसे किसानों पर एक गहरा आघात मानता है। तीसरा एक मुद्दा है कि केंद्र और प्रदेश सरकार दोनों ने कहा था कि एमएसपी पर कानून बनाएंगे, किसानों को वाजिब दाम देंगे, लेकिन आज तक किसानों को वाजिब दाम नहीं मिल पा रहा है, बिचौलिए इसका लाभ उठा रहे हैं। इसलिए एमएसपी पर कानून बनना चाहिए और कानून बनाने की मांग को लेकर के राष्ट्रीय लोकदल ने फैसला किया है कि आगामी 23 दिसंबर से चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन से लेकर 24 जनवरी तक, कर्पूरी ठाकुर के जन्मदिन तक, 23 दिसंबर से 24 जनवरी तक, यानी चौधरी चरण सिंह किसानों के जो मसीहा थे और किसान गरीब मजदूरों के जो नेता रहे कर्पूरी ठाकुर जी, उनके जन्मदिन तक हम पूरे प्रदेश में लोकतंत्र बचाने, संविधान बचाने, एमएसपी पर कानून बनाने और जो ये ठेके पर नौकरियाँ दी जा रही हैं, अनुबंध पर नौकरियाँ दी जा रही हैं, इसके विरुद्ध एक अभियान चलाएंगे जिसमें नुक्कड़ सभा भी होगी, रैली भी होगी, साइकिल यात्राएँ होंगी, पदयात्राएँ होंगी, ये पूरे प्रदेश में कार्यक्रम चलाए जाएंगे। लोकदल का मानना है कि सरकार जो अनुबंध पर नौकरियाँ दे रही है, ठेके पर दे रही है, इसके अलावा ये एक तरह से युवाओं के साथ एक अन्याय है। युवा निराश है, हताश है, आज सबसे बड़ी संख्या में युवा आत्महत्या कर रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है। इसका कारण है कि किसान के उत्पादन का लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है और युवाओं को मुकम्मल रोजगार नहीं मिल रहा। लगभग 1 लाख से अधिक सरकारी नौकरियाँ खाली है, रिक्त पड़ी हुई है, इस पर आज तक भर्ती नहीं हुई है। हम मांग करते हैं कि सरकार त्वरित कार्रवाई करते हुए इन खाली पदों पर युवाओं को नौकरी मुकम्मल प्रदान करें, परमानेंट नौकरी प्रदान करें। एक बड़ी समस्या है किसानों की सिंचाई की है, नहरों में पानी नहीं आया पिछले दिनों, और किसान जब अपने धान की सिंचाई के लिए बिजली के कनेक्शन या कहीं तार से जोड़ लिया तो उस पर छापे डाल करके उसके ऊपर 2-2 लाख 3 लाख की गारंटी लगा दी गई। हम मांग करते हैं कि किसी कार्य के लिए किसानों को फ्री बिजली की सुविधा दी जानी चाहिए, सिंचाई की बिजली की पूरी सुविधा किसान को मिलनी चाहिए, ये मांग करते हैं। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के ये आज की प्रेस वार्ता है। बकिया एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना प्रदेश में हुई है कि बरेली जिले में सरदार नगर पुलिस चौकी के पुलिस चौकियों ने जो किया है
जो मानवता के ऊपर एक क्रूर प्रहार है, जिस तरह से खेत से काम करते हुए किसान आ रहा था और उसको पकड़ करके इतनी पिटाई की गई कि वो दम तोड़ दिया, ये एक तरह से भयंकर अत्याचार है। एक किसान की हत्या इस सरकार के माथे पर एक गहरा कलंक है। एक तरफ सरकार राम राज्य की बात कर रही है और दूसरी तरफ सरकार के अंतर्गत रावण राज्य की पुनरावृत्ति हो रही है। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। हम इसकी निंदा करते हैं, हम मांग करते हैं कि जो इस किसान की पुलिस की पिटाई से हत्या हुई है उसे 1 करोड़ मुआवजा देना चाहिए और जिन पुलिसकर्मियों ने इसके कानून का अतिक्रमण किया है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और इस घटना की न्यायिक जांच होनी चाहिए। विभागीय जांच से पर्दाफाश नहीं हो, इस घटना की न्यायिक जांच होनी चाहिए ताकि जो दोषी है उनको उचित सजा मिल सके। धन्यवाद।